हम लोगों ने कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला है। जब डिमांड ही नहीं रहा था तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने मार्च से थोड़ा पेट्रोल की दामों में अपना जो मार्केटिंग फ्रीडम की प्रैक्टिस है, जो नीति है, उसमें एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस को, हमें मालूम है आज के दिनों में जो एक अबनॉर्मल प्राइस हमारे सामने है ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं है, डिमांड जब फिर आएगी फिर दाम एज यूजुअल होने की ओर जाएगा, उस समय में ध्यान में रखते हुए और दुनिया की चैलेंज को सामने करते हुए जब दिक्कत रहती है आदमी अपना जेब को टाइट करता है और उसको खर्चा फूक फूक के करता है, हमने कुछ पैसा बचाया तो आज अर्थनीति को गति देने में, लोगों को और सेवा करने में, कोरोना के हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में गरीबों को मदद करने में ये काम पे आएगी। देखिए इन दिनों में जब क्रूड प्राइस की दाम घटी, भारत में हमारी जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज फैसिलिटी तीन जगह पे था, वाइजाग, पादूर, कर्नाटक की और मैंगलोर, तीनों स्ट्रैटेजिक स्टोरेज की अल्टीमेट कैपेसिटी को हम लोगों ने भरा। हम लोगों ने 8 मिलियन मेट्रिक टन तेल समुद्र में जहाज के अंदर खरीद के लो प्राइस में खरीद के रखा है, ये न्यू स्टोरेज फैसिलिटी हमने ऐड किया है। भारत में लगभग 25 मिलियन मेट्रिक टन की स्टोरेज फैसिलिटी है प्रोडक्ट के रूप में और क्रूड ऑयल के रूप में, रिफाइनरियों के पास रह सकता है। कुल मिला के 38 मिलियन मेट्रिक टन सस्ते दामों की तेल हम लोगों ने गच्छित रखा है। जनवरी की दाम और अप्रैल की दामों में जो अगर हम कैलकुलेशन करें, 25,000 करोड़ रुपया की फायदा भारत की जनता को हुई है, सस्ते में हमने तेल को रख पाया। जितना तेल हमने रखा है लो प्राइस में, उसकी अगर हम आगे यूज करेंगे वार्षिक हमारी आवश्यकता की 1/4 आवश्यकता, उतना तेल हमने गच्छित रख दिया है।